कश्मीर श्रीनगर का लाल चौक जितनी ही ये फेमस जगह है उतनी यहाँ की फेमस मार्केट्स है, लेकिन कुछ ऐसी हिडन मार्केट्स है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। होलसेल का पड़ेगा ना, 150 के दो। आप लोग चाहते हैं स्टिचिंग कराना, बहुत जबरदस्त स्टिचिंग कराना चाहते हो? लखनऊ से है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिसबा वर्ल्ड। जी जनाब, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप लोग कश्मीर श्रीनगर की बेस्ट मार्केट देखते आ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को लाल चौक की ऐसी हिडन मार्केट्स के बारे में बताने वाली हूँ ना, जो कि होलसेल मार्केट्स है। इवन मैं भी उनके बारे में नहीं जानती हूँ, पहली बार वहाँ जा रही हूँ। कोई स्पेशल गेस्ट जो कि स्पेशल अपेयरेंस है हमारी इस वीडियो का, जो मेरी मदद कर रहे हैं इसको डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे स्पेशल गेस्ट का मैं एडवांस में थैंक यू कर रही हूँ, और आप लोगों को इसी वीडियो में स्पेशल गेस्ट से भी मैं मिलाने वाली हूँ, जो कि मुझे एक्सप्लोरिंग में मदद कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों ने संडे फेमस मार्केट तो देख ली, लेकिन वो मार्केट स्पेशली सिर्फ और सिर्फ संडे को ही लगती, लेकिन जहां पर हम अभी आए हैं ना, ये मार्केट आपको वीक में सभी दिनों में मिलेगी, और सेम टू सेम संडे मार्केट की ही तरह मिलेगी। लाल चौक घंटा घर से बस 2 मिनट की दूरी पर टैक्सी स्टैंड के साथ आपको मिलेगी ये मक्का मार्केट, जहां पर आप लोगों को हमेशा ही संडे मार्केट वाली फील आने वाली है। 150 के दो। आज अभी खुली रही है मार्केट, आज इतना मौसम खराब है कि अभी सिर्फ खुली रहा है। 11:30 है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अभी तक खुला नहीं है। और चलो अलग अलग पहुंची गया, ये भी संडे मार्केट जैसा ही, लेकिन संडे मार्केट आपको संडे के दिन ही दिखेगा, लेकिन ये वाली मार्केट आपको हमेशा दिखेगी। मक्का मार्केट है, लाल चौक के बिल्कुल पास में लगती है मक्का मार्केट। हाँ, मतलब वीडियो हम शूट कर सकते हैं, तो बाद में तो आएगा कोई ना कोई, उसके हाथ में भेज सकते हैं कुछ अच्छा सा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बनाएंगे ना। थोड़ा सा ये कोई तो शॉल ही हुआ, किसी 100-300 रुपये, 350 ये देखो ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है, ज़रा खोलो ना यूर ब्लैक इसकी। अगर इस मक्का मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी लेन्स दिख जाएंगी, मतलब अंदर अंदर से ये मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आप लोग एक गली में घुस रहे हैं तो क्रॉस करके आपको दूसरी गली में घुसना है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड, चाहे वो जूते हो, बच्चों के जूते हो, बड़ों के जूते हो, बड़ों के कपड़े हो, छोटों के कपड़े हो, विंटर यहाँ पर स्टफ बहुत ज्यादा है। इवन विंटर्स है तो विंटर्स का स्टफ मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा था, चाहे वो जैकेट्स हो, लॉन्ग कोट्स हो, और कश्मीरी आर्ट के जो कोट्स थे वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे। अच्छा गाइज, आप लोगों को मैं हमेशा ही टिप देती हूँ बारगेनिंग की, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप लोगों को वो 500 कोट कर रहे हैं, तो आप लोगों को उनको 250 पर तो उनको लाना ही लाना, ऐसी बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए। तो आप लोगों ने बार्गेनिंग जरूर करनी। और लॉन्ग कोट मुझे यहाँ पर बहुत पसंद आ गया था, लेकिन ऑलरेडी भी मेरे पास ऐसा कुछ कोट था जो मैं खरीद चुकी थी, तो इसलिए मैं इसको नहीं खरीदा। शॉल स्टॉल आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। लॉन्ग स्वेटर्स भी बहुत कमाल की थी, और इनकी प्राइस 300-350 रुपए से थी। मैं इसको वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि इन मार्केट्स की रॉ वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक थोड़ा खिसक चुका था और प्लग उसका निकल चुका था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 100 रुपया स्टॉल यहाँ पे भी 100 रुपीस का मिल रहा है स्टॉल। बोलो रवि स्वेटर 150 रुपया। आ जा। तो आज भी जो टूर हो रहा है वो मेरी सब्सक्राइबर के साथ ही हो रहा है, शी इज माई सब्सक्राइबर, और अब मेरी बहन बन चुकी है, तो मैं जब भी श्रीनगर आती हूँ उनसे ज़रूर मिलती हूँ। तो ये मुझे ये मार्केट घुमा रही है आज, गलियाँ ही गलियाँ मिल जाएंगी आपको इसमें। अगर आप लोग संडे को मिस कर रहे हैं ना, संडे मार्केट आपने मिस कर ली है और आप चाहते हैं कि वैसा कुछ हमें मिल जाए, तो यहाँ से आप आ सकते हो। सिर्फ स्वेटर्स मिल रही है। ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी, हम कहाँ अभी लाल चौक के इर्द गिर्द? हाँ, वो घंटा घर है, वो आपको दिख रहा होगा, लाल चौक घंटा घर, और ये मक्का मार्केट आपको इस तरफ मिलेगी, जहाँ पर आपको थ्रिफ्टेड और अच्छा माल भी मिल जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ संडे मार्केट जो आपको इस तरफ से मिल जाएगी, और ये दिख तो आपको छोटा सा रहा होगा, बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आपको बस यहाँ से घुसना है इस तरफ, तो आपको हम वहाँ से घुसे थे, है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मक्का मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद ही हमने जो जंप किया एक और नई मार्केट, जो कि है कॉकर बाजार। होलसेल मार्केट है, जहां पर आपको कश्मीरी फेरन शॉल सूट जो है होलसेल प्राइस में मिलते हैं। तो लेट्स सी हमें यहां पर कैसी चीजें मिलती है, आप भी देखिए यहां से। चलो देख लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये पदकन, ये वॉल नहीं नहीं इसके साथ जो है ये, हाँ जी यही वाली जो कलमकारी वाली शॉल है, कितने का ये? अभी हमें कॉकर बाजार, मैंने ठीक बोला ना कॉकर बाजार है ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को सिर्फ कश्मीरी आर्ट मिलेगा, पूरी मार्केट आपको भरी, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। यहाँ पर आपको प्राइजेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन मिलेगी, अगर आप श्रीनगर कश्मीर आ रहे हैं घूमने और शॉपिंग का सोच रहे हैं कश्मीरी आर्ट, तो ऑब्वियसली जब आप श्रीनगर कश्मीर आएंगे तो कश्मीरी आर्ट की चीज़ें आपको पसंद आ जाएंगी, ख़रीदना चाहोगे। तो कॉकर बाजार जो बहुत फेमस है, फुल शॉल है, 3000 रुपये की शॉल है, इसके स्टॉल भी है ना, क्योंकि इस पर आप वर्क देख सकते हैं, फुल ऑन वर्क है इसका, कलमकारी शॉल है ये जी। इसके स्टॉल भी होंगे ना छोटे, वो भी थोड़ा मुझे दिखा दें प्लीज़। ये स्टॉल है, ये कितने का है? ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है ना, इसकी ग्रेस कितनी ज़बरदस्त है ना, बहुत। और किसी पे भी आप डाल सकते हो, सूट पे कलरफुल है तो किसी सूट पे भी मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारा, और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। ओके ब्यूटीफुल, ये पश्मीना पे आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक फुल ऑन, क्योंकि बार्गेनिंग तो ऑब्वियसली जो बार्गेनिंग ज़रूर करते ही करते हैं हम लोग, तो आप लोग यहाँ पर आके, ये सबसे रीजनेबल प्राइस है यहाँ की, जामावार फेमस हमारे कश्मीर का, क्योंकि इस पर ना वर्क करने में हाथ का काम होता है तो महीनों लग जाते हैं इसको बनने में ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं वाइट पे कितना बारीकी का काम है, ब्यूटीफुल। इसका क्या प्राइस रहता है? ये 10000 रुपये की शॉल है, लेकिन वर्थ है। अब इतनी लेबर लगी है भाई, इतना काम है, आंखें लेबर की तो आंखें भी गई होंगी, आप देख सकते हैं कितना नीडल से ये हाथ से काम किया गया है, बहुत ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। इतना ज़्यादा रहता है तो लोग इतना इंस्टाग्राम पे ट्रेडिशनल तिल्ला वर्क, और आप चेक फैब्रिक कीजिए इसका जो पश्मीना है, बहुत प्यारा। बैग्स वगैरह भी है, एक को ये वाला दिखा दे, कलर अच्छा लग रहा है ये ना, क्रीम कलर है, और यहाँ के बैग्स ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको कैरी करना, ब्यूटीफुल। इसका क्या प्राइस रहता है इन बैग्स का? ओके स्टार्टिंग प्राइस 3-4000 तक जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना, आप देख सकते हो इन्होंने कितना वर्क किया हुआ है, यहाँ से भी ये बैग्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने लिए यहाँ से देखूंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अगर आप लोग श्रीनगर कश्मीर आते हैं तो हेल्पफुल वीडियो रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। वो पीछे जो है ना फुल जिन पे जाल वर्क किया हुआ है, आपको एक दिखा देंगे, इसमें फुल जाल है, ये भी सेम प्राइस है। अच्छा जी, ये है इनका कार्ड, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा शॉल जो भी दिखाई, शॉल पैलेस कॉकर बाजार। ओके फेसबुक पे एक्चुअली मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपका फेसबुक का क्या इसी नाम से है, ठीक है, और इसी पे इंस्टाग्राम, ओके ठीक है, मैं वो भी उसका इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगी। यहाँ पे हम गए थे अभी शॉपिंग के लिए शॉल पैलेस, जहाँ पे आपने शॉल वगैरह देखे हैं, चलते हैं दिखाते ही नहीं, यहाँ पे कुछ फेरन दिख रहा है, ये वाला फेरन, ये भी अच्छा लग रहा है ना, सोजनी वर्क है, तिल्ला वर्क। शिम क्या प्राइस है, कितने का है ये वाला? ये शुदाशत तो शो ज्यादा प्राइस में ना अंकल, जरा कम में दियो, आप से साढ़े छह बुका दे बोल। अच्छा हाय सुते साढ़े छह है तो बोलते, ये जो अतुक काम है ना, ये हाथ का काम है ना सारा, ये जो रफल जी वो क्या कर रहा है, साढ़े छह पे वो जो जा चो ना, मगर भैया मुझे ग्रेशन आसल है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, जरा
ये है ना रफल में, इसमें नहीं आता है। ब्लू कलर इसमें बहुत अच्छा है, ब्लू भी अच्छा है। और बात है जो अच्छा कलर ब्लू है हाँ, ये भी कलर अच्छा है। कोई एक ऐसा दिन होता है ना आपकी शॉपिंग का, जिस दिन आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, आप लोगों को प्राइजेस भी अच्छी मिल जाती है, और एक ऐसा दिन होता है शॉपिंग में जिस दिन आप लोग कुछ भी नहीं खरीद पाते क्योंकि आपकी प्राइस ही नहीं जमती है। तो ये मेरा दिन था, मतलब मैं जहां पर भी जा रही थी मेरी प्राइस की वजह से मैं कोई चीज ही नहीं खरीद पा रही थी, ना ही शॉपकीपर्स कम कर रहे थे, और जो मैं कोट कर रही थी चीजों का वो उन पे आ ही नहीं रहे थे। तो भैया ने 1800, 1900, इवन 600 का भी यहाँ पे फेरन दिखाया जो बहुत कमाल का था, लेकिन मैं जो कोट कर रही थी मैं कर रही थी 1200, 1300, इवन मैं 1500 पे भी आ गई थी, लेकिन भैया ने एक पैसा भी कम नहीं किया, तो मुझे वो चीज छोड़नी पड़ी। तो जिस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत कमाल के फेरन थे। ये जो ना खरीदने वाला रिग्रेट होता है ना, ये इंसान को ना बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। तो शायद आपकी बहन बहुत जल्द जाके वापस से खरीदने वाली है। तो गाइज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या, कोई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप शॉपिंग नहीं कर पाते, प्राइजेज ही नहीं जमती है, बाद में आप रिग्रेट करते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट होलसेल शॉप पर जो बहुत बड़ी है कॉकर बाजार में। जी आप देख सकते हैं स्टॉक कितना है। हेलो फेरन हाइजो तो जो होलसेल प्राइस में सो रही थे होलसेल का पड़ेगा ना, ये क्या छो एग्जैक्ट क्या छे तनवानन तो तुम शॉपिंग क्या नाम छो फैंसी तो यहाँ पे आपको होलसेल में मिलेगा। हाइजो जरा मैं प्लीज सूट नहीं इसमें आप बना सकते हो जो आपको फेरन बने यार ये तो मार्जिन छो ये केस बना छ फेरन सारा ओके वाली स्टॉल कलर बना से ओके कोई तो सूट ये पे तो इज तो औसत 50 होल से तो तू कितना होता है तो ये छोरी फेरन ही होते तकरीबन अच्छा 2200 रुपीस का फुल पश्मीना का सूट है। फेरन चुनी आपने सोजली मस फेरन मगर कलर ऑप्शन आज तो मिलने से ओहो कलर क्या प्राइस है यार कलर आसे 5 कलर आसे 2200 रुपीस रुपीस फुल ना आसे अभी देखा मगर मैं इस कुछ एक शॉप पे देखा एक शॉप पे देखा जहाँ पर उन्होंने 1500 बोला इसको ना रफल रफल देखा हमने इसको मना एक ही पीस लेना कलर ये है ना ये येलो येलो और ये वाला भी प्लीज ये वाला ओहो जर है कहते हैं जो फ्रंट कहीं है क्योंकि ग्रे कितना अच्छा लग रहा है कलर कच्चू स्टेन अगर आपको लग रहा है हाँ हाँ है ना ये देखिए हाँ उसमें दाग कलर कितना अच्छा है ना अच्छा एक और इम्पोर्टेंट टिप, जब आप कॉकर बाजार में जाते हो ना सामान लेने, चाहे वो होलसेल में अपने शॉप के लिए आप सामान लेने जा रहे हो या फिर ऐसे रिटेल में भी खरीदने जा रहे हो, तो जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि बल्क में सामान बनता है ना तो कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेन जो जरूर रह जाता है। तो यहाँ पर इतना कमाल का फेरन था जिसमें थोड़ा सा स्टेन था, हमने भैया को कहा वो स्टेन वाला ही दे दीजिए थोड़ा कम प्राइस में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा गाइस आप लोगों को ना बार्गेनिंग करनी है, हम लोगों ने उतना थोड़ा लाइटली ले रहे थे, हम लोग ज्यादा बार्गेन नहीं कर पा रहे थे, ये थोड़ी शायद हमारी भी गलती है, शायद इसलिए हम लोग शॉपिंग
नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर इस शॉप पे जहाँ पे मैं आपको अभी लेकर आई हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड स्टॉक, इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो बुटीक या फिर शॉप वाले यहाँ से सामान लेके जाते हैं, बहुत कमाल की ये शॉप है, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। अपनी शॉप के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं या फिर अपने लिए ऐसे रिटेल, ऐसे भी आप लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं कश्मीर श्रीनगर, आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग खरीदें या फिर चाह रहे हैं कि फैमिली के लिए हम लोग खरीदें, क्योंकि पहली बार श्रीनगर कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो फैमिली ना एक्सपेक्ट करती है कुछ ना कुछ जरूर आएगा वहां से, तो आप लोग यहाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को फेयर एंड सूट मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। होलसेल शॉप है तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक खोलकर उसका प्राइस बताएं, फिर भी मतलब सो स्वीट ऑफ देम कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप लोग कैप्चर कर लीजिए, उनके पास टाइम नहीं होता है इतना कि खोलकर प्राइस बताई जाए। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या और मिलने वाला है। ये एक्सप्लोरिंग ना दिखने में बहुत ज्यादा इजी लगती है, आप लोगों को ना इजी सा एक वीडियो मिल जाता है जहां पर आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स जो है ना आप लोगों को वीडियो बनाने नहीं देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था मैं आज आप लोगों को एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाली हूँ जिसने बहुत ज्यादा मेरी मदद की है इस एक्सप्लोरिंग में, तो उसको मिलाने से पहले मैं एक शॉर्ट आउट ले लेती हूँ। मेरे सभी रेगुलर फॉलोअर जानते हैं मैं अपनी सभी वीडियोस में अपने प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत सारा प्यार खूब सारे कमेंट करते हैं उनका एक शॉर्ट आउट मैं जरूर लेती हूँ। तो आज का शॉर्ट आउट है सबा फारूक, थैंक यू वेरी मच सबा जी, जो इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं, आपका ऐसा प्यार ही है जो मुझे मजबूर करता है और मेहनत करने पे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखे, आपका दिल से शुक्रिया। तो चले गाइज आज मैं आप सब लोगों को मिलाती हूँ स्पेशल गेस्ट से जो कि मेरा सब्सक्राइबर बन के मुझसे मिला था, मुझे बहुत ज्यादा डीएम किए थे इंस्टाग्राम पर कि मुझसे बात करे, तो मैं बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी, लेकिन जब मैंने बात की उनसे मुलाकात की तो वाकई में मतलब ये एक जो एग्जांपल सेट कर दी है उसने कि कश्मीर श्रीनगर के लोग जो होते हैं ना उनकी हॉस्पिटैलिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चले मिलाती हूँ मैं आपको अपने दोस्त से, आज मैं आपको अपनी सब्सक्राइबर से भी मिलाती हूँ, सब्सक्राइबर कम सिस्टर ज्यादा। अच्छा नाफिया कैसा लगा मुझसे फिर से मिलके, हम लास्ट टाइम अच्छा। भी मिले थे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज आपने सरप्राइज दिया सरप्राइज विजिट था सीरियसली, लेकिन मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं नाफिया से ज़रूर मिलती हूँ, एक सिस्टर वाली बॉन्ड बन चुका है, तो ये मुझे घुमाती है नई नई जगह जो मुझे नहीं पता होती है मुझे दिखाती है। तो इसका भी चैनल, अपने चैनल के बारे में बताओ क्या नाम है? हाँ हाँ खतीजा कश्मीरी, खतीजा कश्मीरी आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन पे लगा भी दूँ कहीं। खतीजा कश्मीरी ये स्टिचिंग बहुत ऑसम करती है और स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए मैं बताऊं कि ये जो है ना बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं। ओके ये इसकी खुद की क्रिएशन है, इसने खुद से मार्केट से, जैसे मतलब मैं करती हूँ लेकिन मुझे स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन खुद से स्टिच करती है, इसका जो फैरन देख रहे हैं हाँ पैच वगैरह खुद लगा के एक फेरन वाला मतलब बहुत स्टाइलिश ड्रेस इसने बनाया खुद से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये खुद से आपकी ड्रेस डिज़ाइन करे, आपके पास टाइम नहीं है फैब्रिक का भी, तो आप लोगों ने अपना बजट बताना है, ये आपकी ड्रेस जो है आपको बना के दे सकती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। नाफिक कहाँ पे एग्जैक्ट, क्या लोकेशन है आपकी? राजबाग में ना, मैं आपका नंबर भी लगा दूंगी स्क्रीन पर, तो अगर आप लोग चाहते हैं स्टिचिंग कराना, बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग कराना चाहते हैं, तो आप नाफिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाफिया जैसी बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लेडीज़ होती हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता गाइस, तो हमारे पास एक अपना छोटा सा चैनल है मिसबा वर्ल्ड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी लेडीज़ को मैं प्रमोट करूँ और उनके टैलेंट से, मतलब मेरी कोई मदद नहीं है गाइस, उनका अपना खुद का टैलेंट है, आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पर स्टिचिंग कराइएगा, एक बार कराइएगा आप बार बार जाइएगा। तो यहाँ पर हमें अचानक से कुछ लोग मिले तो अच्छा बहुत जल्द, कहाँ से आप? लखनऊ से है, ओके लखनऊ में भी ऐसी ठंड होती है? नहीं 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 होती, मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, होती है प्लस यहाँ के लोग हमें अच्छे लगे, लगे आप भी अच्छे लगे, थैंक यू, और आप भी बहुत अच्छे हो, इतना स्वीटली बात करे ना एक दूसरे से, अच्छा इंसान की बात यही है बस जी। कश्मीर से है तभी तुम लोग गोरे गोरे प्यारे आप भी हो, वैसे लखनऊ के लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं। नहीं नहीं हमें तो तुम ज्यादा बड़ा प्यारी लगी हो, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय। ज़िंदगी में कुछ कर जाने का जज्बा सभी लोगों में होता है, कुछ लोग बहुत आसानी से सब कुछ पाते हैं क्योंकि वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके कुछ हासिल होता है। तो मैं खुद को वो किस्मत वाला तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मेहनत करने के बाद ही मुझे सब कुछ हासिल होगा, तो इसलिए मैं खुद को किस्मत वाला समझती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत है वीडियोज़ में आपको नज़र आता है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बहुत जल्द एक और अच्छी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।